नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कॉटन से। रूपा जी, MCX कॉटन देख रहे हैं कि 36,000 के लेवल्स पर ही ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या कॉटन में जो तेजी आनी थी वो आ चुकी है और यहाँ से अब कीमतें थोड़ी नीचे जाने वाली हैं? देखिए, मैंने पहले भी यही बोला था कि यहाँ पर अब कपास का जो रैली है वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट फेस में है और अब यहाँ से बाजार गिरावट की तरफ है। यहाँ से अब तेजी नहीं है, ना तो कॉटन में ना ही बिनोला खल में। देखिए, आगे चलकर भी एक्सपेक्टेड है कि इस बार अच्छे प्राइजेस मिले हैं तो किसानों का रुझान भी इसकी तरफ बढ़ा है, तो आगे कपास का रकबा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल में जो सिनेरियो बनना था, इस सीजन की जो तेजी थी वो फिलहाल आ चुकी है। अब यहाँ से फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मेरे हिसाब से जो भी भाव मिल रहे हैं, इन भाव पर माल को निकालना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर और ज्यादा गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट लेवल देखने को नहीं मिल पा रहा है। 3400 का लेवल एक बार टच करने के बाद मानो कि बिनौला खल में सीमित दायरा ही देखने को मिल रहा हो। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल वाकई में 3500 या उससे ऊपर के लेवल दिखा पाएगा या फिर यहीं पे सिमट जाएगा? अब देखिए, अब वो लेवल नहीं एक्सपेक्टेड है। अभी तो बाजार मुझे लगता है कि 3000 से 3200 के बीच में ही रहेगा। 3500 का स्तर तो अभी फिलहाल बहुत दूर लगता है और मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से कॉटन में हम गिरावट देख रहे हैं, मंडियों में अराइवल्स देख रहे हैं और कॉटन का में जो गिरावट आ रही है उसका असर अब बिनौला खल पर भी आता हुआ दिखाई देगा और वो दिख भी रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है 2800 से 3200 बस यही रेंज फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। जी, इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर ग्वारगम ग्वाल सीड की, तो देख रहे हैं कि सुस्ती के साथ कारोबार आज भी दर्ज किया जा रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि जिस हिसाब से अमेरिका क्रूड की मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका क्रूड की मार्केट कैप्चर कर लेता है और अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है तो क्या इंडिया में ग्वार की प्राइसेस कुछ तेज जा सकते हैं? देखिए, ग्वार की जहां तक बात है और जिस तरीके से कच्चे तेल का जो इंपैक्ट है, डेफिनेटली अगर कच्चे तेल की डिमांड बढ़ती है और उसके लिए ग्वार गम का जो है वो यूज बढ़ सकता है और एक एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। और ये इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ होता है, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है, तो डेफिनेटली ग्वार के ऊपर इसका असर आता हुआ दिखाई देगा और गम की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, एक्सपोर्ट्स निकल सकते हैं। और भारत में से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है ग्वार का वो भारत में होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होते हुए नजर आ सकते हैं और एक ग्वार इंडस्ट्री को एक नई होप मिल सकती है, जो कि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं ग्वार की इंडस्ट्री जो है वो दबी हुई थी। अब थोड़ा सा ईज ऑफ इस साल आता हुआ दिखाई दिया और प्राइजेस ऊपर सस्टेन हुए हैं, तो फिलहाल मुझे लगता है कि इसका असर पॉजिटिव मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसाला पैक में देख रहे हैं कि सुस्ती के साथ कारोबार जारी है आज भी। धनिया और जीरे में करेक्शन देखने को मिली है, हल्दी में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। आपको क्या लगता है कि नई आवकों के चलते ये जो करेक्शन है अभी कुछ समय और जारी रहेगी? देखिए, अभी जो फिलहाल गिरावट है, ये गिरावट जो देखने को मिल रही है और मसालों के अंदर ऊपरी स्तरों से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती हुई जरूर दिखाई दी है और अराइवल प्रेशर भी है, लेकिन आगे चलकर फेस्टिवल डिमांड के चलते पिकअप हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आगे एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहीं से अगर कैसे की, तो कैसे सीड में देख रहे हैं 7200 के ऊपर सस्टेन है। आपको क्या लगता है, आज जो हल्की सी करेक्शनिंग बनी है तो क्या ये जो भाव को नीचे में 7000 या 6900 तक लेके जाएगी या फिर हल्की सी करेक्शन है और फिर से तेजी बन जाएगी? देखिए, एक बार कॉमोडिटीज रही है, कौन सी कॉमोडिटी? रूपा जी, कैसे सीड की बात करें तो कैस्टर में आपको क्या लग रहा है, क्या कैस्टर में आज जो करेक्शन बनी है वो गहराने वाली है? देखिए, कैस्टर में अब जो तेजी है वो कैस्टर में भी सुस्त होती हुई दिखाई दे रही है और ऊपरी स्तरों से बाजार लुढ़कते हुए नजर आ सकते हैं और मुझे लगता है कि जो कैस्टर है वो ऑलरेडी काफी तेजी की तरफ जा चुका है। बहुत ज्यादा भी फिलहाल गिरावट यहाँ से नहीं लग रही है, मुझे लगता है 7000 तक एक बार कंसोलिडेट होता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मंडियों में तो देख रहे हैं कि लगातार जो कीमतें हैं अट्रैक्टिव बनी हुई हैं। बस बीते 2-3 दिनों में अभी जो प्राइसेस से थोड़े डाउन गए थे क्योंकि मंडियां 2 दिन तक बंद थी, उसके बाद से आवकों का प्रेशर बना तो इसलिए प्राइसेस थोड़े डाउन गए, लेकिन किसानों को अभी भी ऐसी उम्मीद है कि जो सोयाबीन है 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार के आंकड़े दिखा सकती है, क्योंकि
अमेरिकी सोयाबीन वायदा देख रहे हैं, लगातार $1,650 के ऊपर सस्टेन है, $1,700 के बेहद करीब है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन 9,000 या उसके ऊपर भी कीमत दिलाती नजर आ सकती है? देखिए अभी फिलहाल जो है मंडियों में जरूर इम्पैक्ट आया है सोयाबीन की कीमतों के ऊपर, प्राइजेस जो है ऊपरी स्तरों से फिसले हैं और अभी जो है प्राइजेस जो है वो तो छुट्टी का भी माहौल था रहा है, इस वजह से भी गिरावट देखने को मिली और आगे भी जो वीक है उसमें भी मंडियां कुछ दिन बंद रहेंगी होली के चलते, तो मुझे लगता है कि दबाव जो है फिर आगे चलकर अराइवल बढ़ने से देखने को मिल सकता है। लेकिन विदेशी बाजारों में अभी भी मार्केट तेज है और 1700 से लेकर 1750 तक ऊपर सोयाबीन एक बार इंटरनेशनल मार्केट में जाती हुई दिखाई दे सकती है और उसका असर घरेलू बाजारों पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और आगे चलकर जो एडिबल ऑयल का भी जो स्नेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि आगे एक पॉजिटिव मार्केट जो है वो बना रह सकता है, गिरावट फिलहाल यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर शुगर की, चीनी की, तो चीनी का निर्यात तो देख रहे हैं भारत की तरफ से बढ़ा है और ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से भारत ने चीनी निर्यात बढ़ाया है और नए सौदे किए हैं, तो क्या भारत में भी चीनी की कीमतों में तेजी देखने को मिल पाएगी? शुगर में अभी बहुत ज्यादा फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है, मुझे लगता है कि मार्केट जो है काफी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि इसी रेंज में घूमती हुई दिखाई दे रही है और अभी यही लेवल जो है एक्सपेक्टेड है, ये बने रह सकते हैं। चीनी में आगे फिलहाल बहुत ज्यादा कोई अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, धर्मेंद्र जी जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है कि बिनौला खल का NCDEX पर भाव 3200 है, ऑयल मिल 3400 का भाव प्रोवाइड कर रहे हैं, खरीदारी करें या ना करें? देखिए फिलहाल मेरे हिसाब से बिनौला खल में बाइंग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं है ऊपरी स्तरों पर, अभी लेवल नीचे के दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल इन लेवल्स पर बाइंग नहीं होनी चाहिए। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप आज के लिए, इंट्राडे के लिए एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज में अभी फिलहाल सारा मार्केट जो है वो डाउनसाइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पाइसेस है मुझे लगता है कि ये जो आगे चलकर एक रुझान तेजी का बना सकते हैं, तो स्पाइसेस में गिरावट पर खरीदारी करनी है, करेक्शन के अंदर उसमें बाइंग करके चला जा सकता है, धनिया अगर थोड़ा सा फिसलता है तो धनिए के अंदर बाय करके चला। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है, किसमें कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है कम्युनिटी में और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए व्यवस्थित नहीं, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट MCV पर।